हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो हमारे 10th क्लास का सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। आपको बताया, काफी दिनों से आपकी कोई क्लास नहीं हो पाई है, कोई स्कूल नहीं ओपन हो रहा है, तो उसकी वजह से एक डिसीजन लिया गया है कि जो हमारा 10th क्लास का मैथमेटिक्स है उसके अंदर जो बोर्ड का सिलेबस है हमारा, उसको काफी कम कर दिया गया है। तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस टॉपिक में से, यानी कि किस चैप्टर के अंदर से हमारा क्या क्या टॉपिक हमारा डिलीट किया गया है। सो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट फर्स्ट से। हमारी जो यूनिट फर्स्ट हमारी नंबर सिस्टम है, अब देखिए उसके अंदर जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, इस चैप्टर के अंदर से आपका जो टॉपिक था यूक्लिड डिविजन लेमा, ये टॉपिक आपका हट चुका है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से देखिए यूनिट सेकंड जो हमारी है, यूनिट सेकंड के अंदर हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के अंदर आपका ये स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स, ये टॉपिक आपका क्या है, हट चुका है सिलेबस से, सो ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से देखिए हमारा जो चैप्टर थ्री है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो हमारा चैप्टर थ्री है इसके अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेथड जो बच्चों को लगता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगता है, लेकिन ये वाला जो मेथड है हमारा जो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया जाता है, इसको भी हमने क्या किया है, इसको भी हटा दिया गया है सिलेबस से। सो ये भी आपको 2020 और 21 बैच के लिए बता रहा हूँ मैं इन्फॉर्मेशन, तो जो भी हमारे 20 और 21 बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उनके एग्जाम में से सिलेबस में से क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है, तो ये सिलेबस में आपके नहीं है। अब देखिए चौथा चैप्टर जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हमारा जो सिचुएशंस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हम सिचुएशन क्रिएट करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करते थे उस टाइप के क्वेश्चंस आपके सिलेबस से क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। अब हम देखते हैं अपना चैप्टर फिफ्थ का। सो देखिए हमारा जो चैप्टर फिफ्थ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी बोलते हैं जिसको, सो इसके अंदर से जो टॉपिक डिलीट हुआ है उसका नाम है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि हम जो प्रिंसिपल अमाउंट वाले जो रिलेटेड जो हमारी डेली लाइफ से एपी के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके सिलेबस से क्या हुए हैं, डिलीट हो चुके हैं। और आगे देखिए हमारी थर्ड यूनिट जो है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर से देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर सेवन्थ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर से देखिए हमारा क्या टॉपिक डिलीट हुआ है, इसके अंदर से जो हमारा टॉपिक डिलीट हुआ है वो है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके बिहाफ पे हमारी लास्ट एक्सरसाइज है यानी कि थर्ड एक्सरसाइज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो भी क्या है आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, तो वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 2020 और 21 बैच की, अगर आप आगे के बैच हैं आगे पढ़ना चाहेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में ये चीज रहे, बट लेकिन ये जो 20 और 21 का जो बैच है हमारा 10th क्लास का, मैं सिर्फ उसके लिए ये बता रहा हूँ। सो अगला देखिए हमारी जो यूनिट है ज्योमेट्री यूनिट है फोर्थ यूनिट, इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्राइंगल्स। अब देखिए ट्राइंगल्स के अंदर से हमारा क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है, तो सबसे पहले जो हमारी थ्योरम है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली जो हमारी थ्योरम है ये डिलीट हो चुकी है हमारे चैप्टर के अंदर से, तो यानी कि इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है जो क्वेश्चंस हैं वो भी क्या है आपकी डिलीट हो चुकी है, तो आप एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। और जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि जो हमारी ट्राइंगल चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम भी आपके सिलेबस से क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। इसी तरीके से देखिए हमारा जो ज्योमेट्री का एक पार्ट आता है सर्कल्स, सर्कल्स के अंदर नो डिलीशन, इट मीन्स कि सर्कल्स जो पहले पढ़ना था उसी तरीके से अब भी पढ़ना है, उसके अंदर कोई भी टॉपिक आपका खत्म नहीं किया गया है, वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही चैप्टर पढ़ना है। अब एक जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के अंदर देखिए हमारे को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर हमारे 10th क्लास में दो टाइप्स के टॉपिक हैं, एक में हम सर्कल्स बनाते हैं, सर्कल से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, वो वाला टॉपिक आपका आएगा, लेकिन जो हम ट्राइंगल्स ड्रॉ करते थे उसके सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करते थे वो वाला टॉपिक आपका क्या हो गया है, सिलेबस से कट हो चुका है। तो अब हम आगे देखते हैं, अब ये यूनिट हमारी जो फिफ्थ यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है
जो चैप्टर हमारा एट्थ है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। तो इसके अंदर देखिए क्या डिलीट हुआ हमारा, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 एंड 90। 0 एंड 90 के जो रेशियोज हैं मोटिवेट करने हैं, ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं जिनका सम हमेशा क्या होता है हमारा 90 होता है, इट मीन्स वो वाली जो रेशियोज थी वो हमारी डिलीट हो चुकी है चैप्टर में से। आपका क्या है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंदर कोई डिलीशन नहीं हुआ है, इसके अंदर है नो डिलीशन। यानी कि जैसा ये चैप्टर 9 है, ये चैप्टर 9 एज इट इज आने वाला है आपका, इसके अंदर कोई डिलीट नहीं हुआ है टॉपिक। सो आपको ये चैप्टर कंप्लीट कवर करना है। इस तरीके से देख ली अगली जो यूनिट है हमारी मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आता है। सो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के अंदर देखिए क्या चेंजेस आए हैं, प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। आपको पता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर जब हम सेक्टर को पढ़ते हैं उस सेक्टर के अंदर कभी कभी 120 डिग्री एंगल बनता है, और उस 120 डिग्री एंगल के क्वेश्चंस में ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। सो वो टॉपिक आपका डिलीट हो गया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ये आप इजीली, ये चैप्टर आपके लिए आप बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे जो टिपिकल टॉपिक होता है वो यही होता है सेंट्रल एंगल 120 आ जाता है जब। सो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, तो ये चैप्टर आपका, ये टॉपिक आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया है। सो अगला टॉपिक हमारा मेंसुरेशन का आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम के अंदर जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज फ्रस्टम ऑफ कोन पे डिपेंड करती थी, तो फ्रस्टम ऑफ कोन भी आपके सिलेबस से क्या हो गया है, डिलीट हो चुका है। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। इस तरीके से देखिए हमारी जो लास्ट यूनिट है मैथमेटिक्स की, इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर देखिए क्या चेंज आया है। तो हमारा जो चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स है उसके अंदर आपको स्टेप डेविएशन मेथड नहीं करना है। जब हम मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते थे, ये मेथड आपका डिलीट हो चुका है। सो ये करने की आपको नीड नहीं है। इसी तरीके से देखिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ, जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज के अंदर जो ये ग्राफ बनता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ, इसका भी आपको यूज नहीं करना है। ये भी आपको पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि ये भी सिलेबस से आपके डिलीट हो चुका है। और लास्ट जो हमारा चैप्टर है मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर कोई डिलीशन नहीं है, यानी कि इसके अंदर कोई टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, ये आपका चैप्टर एज इट इज आने वाला है। सो यही था हमारा डिलीटेड सिलेबस मैथमेटिक्स का 10th क्लास का, जिसमें मैंने एक एक टॉपिक से एक एक चैप्टर से आपको सब कुछ बता दिया है कि क्या टॉपिक आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इन टॉपिक्स पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे नहीं। सो गाइज अपडेटेड सिलेबस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, तो वहाँ से भी आप जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी ये चैनल शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 9th और 10th क्लास का कम्प्लीट करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक एक एक टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। सो अपने दोस्तों को भी ये चैनल दीजिए, ताकि वो भी आपके साथ साथ इस चैनल का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच गाइज़।